मां का हाथ तोड़ा, बेटी का कान काटा, FIR दर्ज, आरोपी हुए फरार। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया जिले के बांसडी रोड थाना क्षेत्र से, जहां बांसडी रोड थाना क्षेत्र में दबंग ने बूढ़ी औरत का हाथ पीट पीट कर तोड़ डाला, साथ ही जवान बेटी का धारदार हसुआ से कान काट कर जख्मी कर दिया। मामला जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है। वही घटना 23 जनवरी का बताया जा रहा है। पुलिस ने उन सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, जिससे नाराज पीड़िता ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दरवाजे पर लाठी डंडों एवं हथियारों से लैस होकर आए थे और गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए मेरा और मेरी माँ को लाठी से मारकर हाथ तोड़ दिया। बीच बचाव करने आई थी मैं, साथ ही मेरे साथ छेड़खानी करते हुए मेरा कान धार धार हथियार से काट डाला। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। हुआ है कि वो लोग आके दरवाजे पे गाली दे रहे थे, तब तक मैं वीडियो ऐसे अपना फोन ऑन की, उसके बाद हमको खींच के लेके और बाहर निकाल दिए दरवाजे से बाहर। दरवाजे से बाहर निकालने के बाद वो हमें मारने लगे, बुरी बुरी गालियाँ देने लगे और इधर उधर छेड़ने लगे, कपड़ा उपड़ा फाड़ भी दिए थे। उसके बाद मेरी मम्मी गई तो मम्मी को मार के बांह तोड़ दिए। उसके बाद वो मेरे पटीदार ही है। नाम बताइए। जमीन के लेके विवाद हुआ था। तो क्या हुआ इस दौरान? इस दौरान ये हुआ कि हम लोग के साथ मारपीट किए, गाली गलौज दिए। मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरी माँ थी, मैं थी, मेरी बहन थी। उसके बाद मारने लगे, मार और के और हम लोग को बेहोश कर दिए थे। हसुए से गुलाब यादव ने मेरे हसुआ से कान काट दिया। और बास्टी रोड जी, तो क्या हुआ वहाँ बताने? वहाँ पे कुछ कार्रवाई हुआ, उसके बाद से कुछ पुलिस लोग गए मेरे दरवाजे पे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। FIR दर्ज हुआ है? FIR दर्ज हुआ है। ये हम SP साहब के यहाँ ये आए हैं कि 6 दिन बीत गया, हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ, और कल मेरे सामने उसका बेटा जो सोनू यादव मारा है, वो मेरे सिगरेट पी के और शाम को मेरे मुंह पे ऐसे फूंक मारा और बोला कि तुमको टंगवा लेंगे, तुमको जान से मारेंगे। अभी पुलिस को इतना पैसा दिए हैं, मारेंगे दोबारा जान से मार के उसको और पैसा दे देंगे, कुछ नहीं होगा। कौन पुलिस को दिया है पैसा? वो सोनू यादव बोल रहा था कि एक बार मार के इतना पैसा दिए हैं, 10,000 दिए हैं थाने में, और दोबारा जान से मार के पूरी पैसा देंगे तो और कुछ नहीं होगा। थाने में सुनवाई नहीं होगा तो हम अपना जान दे देंगे, हम जी के क्या करेंगे? मेरी माँ मेरे लिए, इसका हाथ टूट गया, मेरे पापा रोजगार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं रहा, तो मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं इसी थाने में अपने खुद को जला लूंगी, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं जर के मर जाऊंगी, अपना जान दे दूंगी। अगर वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, उन लोगों को सजा नहीं मिला, तो मैं मर जाऊंगी। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।